हाँ तो भैया लीजिए, ये भी आपके बीच में एक चटकोला लेकर के चल रहे हैं। और देखिए चटकोला कहां से है मेरा, आजकल भैया मेहनत तो कोई कमाए के खाई ना चाहे रहो, हर कोई दो नंबर के चक्कर में पड़वा हुए, सोच रहे हैं झटका ते मिल जाए, झटका ते मेहनत ना करनी पड़े। तो भैया एक गांव में चार यार, और चारों कैसे घरते फरार, और नाम बिन के शुक्र शनिचर एतवार और सोमवार, तो कैसे हते चारों यार, ध्यान दियो भैया। अरे एक गांव के चार यार और चारों की अजब कहानी है, चारों की कैसी अजब कहानी भैया, चारों के चारों एक दिना खेत की मेड़ पर बैठे और चारों बतरा रहे भैया चार दिना है गए भूखे प्यासे, हिलो कैसे ऊपर ना रहो, तो चारों के चारों हत कैसे। एक गांव के चार यार चारों की अजब कहानी है, एको लंगड़ा हो एको बहरा हो, तीजे की आंख दो कानी है, कैसे आते चारो, एक लंगड़ा एक बहरा और तीसरा दो आंखे ने को आंधरो, और चौथे की पीठ पे भैया रहे पांच किलो को बांटो, सो जी इठके चल करे, यानी कुब्बा चारों के चारों खेत की मेड़ पे बैठे मनसुआ कर रहे भैया, हिल्लो कैसे पन्ना रहा कचू काम धंधो ही मिल जाए। तो एकदम और कुब्बा बोलो चलो भैया क्यों काम धंधो करेंगे क्यों नौकरी करेंगे, तो लंगड़ा बोलो देख ला कैसे मलूक बने हो, तुम्हें नौकरी पर राखी को ले गो, तो कुब्बा बोलो भैया आज कल तो ठगियाई को जमाना हो, ठगियाई को चलो क्यों ठगियाई करेंगे, सोई कहा करो सोई गांव छोड़ के चले दे भैया, अब काम बजारन को दुनिया में घाटो नाई गमारन को, दुनिया में घाटो नाई गमारन को। हाँ चारों के चारों गांव छोड़ के चल दे, सो कहां पहुंचे एक फतेहाबाद जैसे कस्बा में, सवेरे ही सवेरे को टाइम रहे भैया, सो एक हलवाई गरम गरम जलेबी निकाल रहा, जलेबी तो करीबन 10 किलो के अंदाज निकाल के रख लें। अब चारों के चारों चले जा रहे हैं, तो हलवाई सोच रहो कि चारों के चारों ये सुरारे पट्ठाए अगर दुकान में मुड़े आवे तो 100-100 ग्राम जलेबी लेंगे, तो भैया 400 ग्राम दे बोनी बट्टो तो है ही जागो, हलवाई सोच रहा जे बैसे नहीं आवेंगे लगते बुलावे नहीं पड़ेंगे, तो हलवाई कहा बोलो चारों के चारों ते के आओ तो तुम आओ जी तुम आ जाओ मेरे भैया है, हलवाई बोलो आओ सब आओ कहा लेओगे, और हलवाई ने कहा करो पहले तो बीड़ी दे दीनी फिर कर दो तुरत भी छैया है, कहो कितनी कितनी तोल दो नक मुखते कह दो भैया है, हलवाई ने चारों बैठा ले बेंचन पे, हलवाई बोलो कहो साहब कितनी कितनी तोल दो, चारों के चारों सोच रहे मन में भैया चादना के तो भूख, एकदम आंधरो लो कुब्बा ते के चौरे भैया कुब्बा यो देखिए जा हलवाई की तकरीब का बांट धरो है,
तो कुब्बा बोलो भैया 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम आंधरो बोलो मज्जा चादना के भूखे 100-200 ग्राम तक आ जागो के तो कुब्बा बोलो तो आंधर भैया तू ही दे दे कितनी जलेबी इनको ऑर्डर देगो तो ध्यान राखियो आंधरे ने और कितनी जलेबी इनको ऑर्डर दो तब खास आंधरो कह रहो है तू सुन ले मेरे भैया है आंधरो बोलो सुने हलवाई तब खास आंधरो कह रहो है तू सुन ले मेरे भैया है और कहा बोलो अरे मेरी बात सुनो भैया तू ले ले बड़ी अढ़ैया है एकदम और आंधरा बोलो हलवाई सुने अढ़ैया कहते 2.5 किलो होते के 2.5 किलो तू चाचा के तोले के धरते जो हलवाई ने 2.5 किलो जलेबी ने को नाम लो सोई हलवाई फूले के टूंडला की स्टेशन हलवाई सोच रो लगे तो कहीं तक जे 10 किलो तो बिकू गई हलवाई ने फटाफट 2.5 किलो 4 जगह तोले के धत दई अब ध्यान राखियो भैया 4 रोजने 2.5 किलो जलेबी ने बट टूट पड़े तो ले दे तुम्हें 2.5 किलो जलेबी क्यों कर बसी टोरे के धत दई अब चारों के चारों बीड़ी को सुट्टा लगाए रहे बैठे बैठे हलवाई सोच रहो ना तो जिनने भाव पूछो ना पैसा देवे को नाम ले रहे लगते है पैसा जिन्हें मांगने ही पड़ेंगे हलवाई एकदम कहा बोलो चारों ते लाओ जी तुम लाओ तो तुम दाम देओ मेरे भैया है हलवाई बोलो लाओ साहब पैसा दो पैसा और कहा बोलो अरे लाओ जी तुम दाम देओ तब सेठ ने बचन सुनाए हैं और पहले तो चारों चुप रहे फिर कर्रे कर बतराए हैं एकदम हलवाई पे अकड़ पड़े और कहा बोले हम नंगा लुच्छा हतना ने ना बेगर बुलाए ए हलवाई बेटा का तू नंगा लुच्छा समझ रहो तेने बुलाए तब हम आए हलवाई सोच रहो कि अब तो ये खाए पी के अकड़ रहे हैं हलवाई ने कहा करो लाला ने लई नंगा झोरी तो धेलऊ तक नहीं पाए हैं हलवाई ने चारों की तलाशी ली तो एक रुपये भैया मुकेश 54 तक नहीं निकली हलवाई सोच रो मर गए भाई काऊ को तो सत्यानाश होता होगा हमारा सवेरी सवेरे अठ्यानाश है गो 10 किलो जलेबी निकारी बिने मुझे उल्लू के ठठेरे खाए गई अब हम पूरे दिन बेचेंगे का लेकिन हलवाई अपने दिमाग में सोच रहा हूं कि जिन पर पैसा कैसे वसूल हो जिन्हें दुकान में बंद कर दे और सवेरे काऊ के काम पर लगा देंगे मार मार के तब पैसा वसूल होंगे सोई हलवाई ने कहा करो सोई भीतर लाए बुलाए सेठ ने कर बंद किवारने को दुनिया में घाटो नाए गवारने को दुनिया में घाटो नाए गवारने को चारों के चारों हलवाई ने दुकान में भीतर बबराए दई शटर डारे के तारों लगाए के और हलवाई पहुंचो अपने घर है जो घरवाई ने देखो सोच रही कि रोज तो जी बड़े लेट आवत है आज इतनी जल्दी कैसे आए गए घरवाई बोली चौं जा बताओ तुम आज इतनी जल्दी कैसे आए गए हलवाई बोलो कछु मत पूछे बोले काहे के चार आए गए और 10 किलो जलेबी ने खाए गए घरवाई बोली तो और को कहोगे लूटोगे पूरे दिन की तुम्हारी मजूरी ने करी आई चुपचाप घरे बैठो हलवाई बोलो मज्जा कम मखा था 1 रुपए और 54 निकरी हो तो क्या अब कहा है
अब इन्हें दुकान में भीतर बंद कर आऊं, सवेरे कहू के काम पर लगावे हूं मार मार के, तब पैसा वसूल होंगे। घरवाई बोली ओ मत के ही न, ते बुद्धि पर पत्थरा पड़ गए हैं। जब ऐसे खद्दर है कि 10 किलो जलेबी ने खाए गए हैं, तो दुकान में काउंटर में 2-4 किलो लड़ुआ बर्फी धरे होंगे, बिना और खा जाएंगे, मत जा बिना बेग भाई ने कर। हलवाई सोच रहे ठीक कह रही है, जब ऐसे खद्दर है 10 किलो जलेबी ने खाए गए हैं, तो दुकान में काउंटर में 2-4 किलो लड़ुआ बर्फी धरे होंगे, बेका माय नहीं रखे। बेते तो भैया हलवाई चलो बिना निकारे भी, लेकिन बेते का आवा दुकान में तीनों के तीनों आंधरे थे। बोले आंधरे भैया तेने फजीयत तो करवाए दे। अरे एक आध किलो जलेबी की बात होती तो लाला माफू कर दे, तो 10 किलो बेटा सवेरे ही सवेरे लाला आए के और कहा करेगा। तीनों के तीनों आंधरे थे, बोले अरे धोताए लाला आवे गो तब सब की करे पिटाई ये। धोताओ कहते हैं भैया सवेरे थे, तीनों के तीनों बोले सवेरे लाला आवे गो तो मार मारे के भलत्तर बनाए देगो। लेकिन तीनों ने की बात सुन के आंधरों कहा बोलो धोताए लाला आवे गो तब सब की करे पिटाई ये। तब खास आंधरो कह रहो है तुम सुन ले हो मेरे भाई ये। और कहा बोलो आंधरो हो मरे वो ठीक तरे जानो और जांगो सांस चढ़ाई ये। आंधरो बोलो सुनो रे परेशान मत हो, मैं 6-6 घंटा क्या मरे वो जानता हूं, होगी सो देखी जाई, तुम एक काम कर लो। और आंधरो कहा बोलो हो मरे वो ठीक तरे जानो और जांगो सांस चढ़ाई ये। और होगी सो देखी जागी तुम पेल के खाओ। आंधरो बोलो होगी सो देखी जागी रे, तुझे काउंटर में कछु धरो ताय और निकाल लू। जो अंधे की बात सुनी सोई कहा कर डालो। अरे अंधे की जब बात सुनी है सफायो कर दो थारन को, दुनिया में घाटो नाई गमारन को, दुनिया में घाटो नाई गमारन को। हाँ थार चा चूट के धर दे बेटे, लाला आयो और जो लाला ने तारे में तारी डारी आवाज भाओ। सोई एकदम तीनों के तीनों आंधरे थे, बोले के आंधरे भैया, बोले काए के आएगो के आएगो के हो। सोई आंधरो दुकान में चित्त सांस खेच को मत के मरेगा वो का। और कहा भाओ देखियो कैसे ठगियाई होती है। लाला ने कुंदी खटकाई तब रोई उठे बिलखाई ये। एकदम जो शटर उठाओ सो तीनों के तीनों और आंधरे के ढेंगा बैठ के रोई रहे। हलवाई पूछ रहा हो भैया का बात है कैसे रोई रहे हो, तो एकदम झूठ मूठ के आंसू लगाए के बोले हलवाई ते हलवाई सुने तो ऐसा करना हो। अरे ते पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो देते हम। लेकिन भैया तो ऐसा थोड़ी करना हूं, तुझे लड़ुआ ने मैं जहरों मिलाए के धरेगा उसे कहावा। और कहा बोले तीनों के तीनों लाला ने कुंदी खटकाई तब रोई उठे बिलखाई है। और तेने जहरों मिलाए दो लड़ुआ ने मैं तस मरेगा ओ हमारा। तू भैया लड़ुआ ने मैं जहर मिलाए के धरेगा सो जमाए भैया ने खाए ले सो जम मरेगो। जो मरेवे को नाम सुनो सोई हलवाई को पजम्मा ढीलो। हलवाई सोच रहा मर गए भाई, 10 किलो जलेबी खाए गए, लड़ुआ बर्फी खाए गए और जो 300 दुआ वाल लग गई। हलवाई कहा बोला मैंने समझाए के, अरे 100-200 रुपया लेके तुम ले जाओ लाश निकारी। एकदम हलवाई बोला
कि भैया ऐसा करो रोवा चिल्लाई मत करो, ले जो 100-200 रुपया और जो लाशा निकाल ले जाओ। ध्यान रखिए भैया, वैसे बहरा आदमी सुन तो ना है, लेकिन मतलब की बात होगी तो बहरा हाल ही सुन लेगो। वैसे बहरे तो पूछियो कहां से आए हो, तो बहरा का कहेगो बैंगन लाए। जो सौदवैसे को नाम सुनो सोई कहा, अरे सौदवैसे को नाम सुनो बहरे ने गिरा उचारिए। एकदम बहरा अकड़ के बोला, ए हलवाई जिया बारे गाम को पंचुमरो जको कारज हो गो भारी है। एकदम बोला बहरा हलवाई जी आंधरो जरूर हो, लेकिन बेटा बारह गामन में पंचायत कहीं जातो। अब बारह गामन में थे हम एक एक आदमी को नोता करेंगे तो जाके काज में रुपया 20,000 लगेंगे। हिसाब लगा लो, 5 × 20 5,000 चारों की जेब खर्चे कहे है जाएंगे। और बोले सुने 20,000 रुपया और 12 मीटर कफन चाहिए। जब डारवे सो कफन कैसो सफेद बढ़िया बाव लट्ठा को, हिसाब लगा लो 3 × 12 3-3 मीटर में एक एक कुर्ता बन जाएगा और 5,000 रुपया जेब खर्चे का है। हलवाई बोलो भैया 1,000-2,000 रुपया तो मामला नहीं बनेगा। एकदम कुब्बा ठेके बोलो चलो चलो चौकी पे रिपोर्ट करवे जिन्हें मानेगा ऐसे। भैया हलवाई ने 20,000 रुपया लाए के दें 12 मीटर कफन डातो। अब कफन में आंधरो लपेड़ लो तीनों ने और कहा करो जब तीनों इतब इत लग गए हैं और लीनी लाश निकारी है। तीनों ने उठाए के कंधने पे धल लो लेके चंदे आएंगे चौराहे पे कहा भाओ। जब तीनों इतब इत लग गए हैं और लीनी लाश निकारी है। एक पुलिस वालो मिलो अगारी फटकार जोर की मारी है। आगे एक पुलिस वाला खड़ा था, पुलिस वाला देख रहे हो बिगट ठठरी को मुद्दा। पुलिस वाला बोला क्यों रे इसमें क्या है। एकदम कुब्बा बोलो बाबूजी मुद्दा क्या मुर्दा क्या अम्बे बाबूजी। पुलिस वाला बोला बेटा तुम्हें मालूम है इस चौराहे का नियम क्या है, जो भी मुर्दा यहां से निकलता है उस पर 5 रुपया टैक्स लगता है। टैक्स ला 5 रुपया दो। सोई एकदम तीनों के तीनों घुसरो पुसरो करके बोले कि दे दो भैया दे दो भावा ही काटो, जब हिसाब करेंगे तो आंधरे के मैंने आंधरे के निमित्त 5 रुपया कम कर लेंगे। आंधरो कंधने पे धरो धरो सुन लो सोच रो हम ही मरे हमारी रुपया कटे। सोई एकदम आंधरे ने कहा करो सोई मार फुरपुरी ठाणा है गो। एकदम कूद पड़ो कंधन पे तो नीचे अंधो और आंखें टिमटिमाए के बोलो ये कौन कहता मैं मुर्दा हूं मैं तो जिंदा हूं। पुलिस वाला बोलो क्यों रे अभी तो तुम मरा हुआ रखा था। बोलो तुम्हारी किस्म बाबू जी हम अपनी राजी ते मरते और अपनी राजी ते जिंदे होते हैं और ता टैक्स के पैसा लगाता है तो हम ना मरता मत तो चंदे पे गांव में जाए के मरेंगे। भैया 20,000 रुपया ने ले गए और 12 मीटर कपड़ा ले गए। तो आज अगले ठगियाई होते ऐसे सोई मार फुरपुरी ठाड़ो है गो। जे कम होशियार निको दुनिया में घाटो नाई कमार निको दुनिया में घाटो नाई कमार निको दुनिया में घाटो नाई कमार निको।